What's up guys, I'm AkiVlogs back in a new video only for you. So what's up guys, this is me AkiVlogs too for a new video only for you. आज मैं आपको एक बहुत ही important बात बताने वाला हूँ. मतलब मैं क्या कहूँ, कुछ अलग ही हो गया पापा के साथ. पापा अभी थे फिलहाल बैंकॉक में, तो मैं अभी पापा से आपको कॉल पे बात कराता हूँ. पापा बैंकॉक में, हम सोच रहे थे कि कोरोना वायरस बैंकॉक में नहीं होगा, पापा चाइना जाने वाले थे, लेकिन पापा ने चाइना का प्लान कैंसिल करके बैंकॉक चले गए क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ काम था. मेरे पापा मतलब उनको बाहर की कंट्रीज में ही काम रहता है. तो अभी मैं आपको पापा से बात कराता हूँ, मैं पापा को फ़ोन करता हूँ और फिर मैं आपसे उन्हें मिलवाता हूँ. उठा लिया पापा, बताइए थोड़ा कोरोना वायरस के बारे में क्या हो रहा है वहाँ. बस यहाँ पे बैंकॉक में बहुत आ चुका है. मैं होटल से बाहर नहीं निकल रहा. इन लोगों ने वार्निंग दी है कि आप बाहर मत जाइए, जाओ तो मास्क के बिना मत जाना. नॉन वेज कम इस्तेमाल करिए, वेजिटेबल इस्तेमाल करिए ज्यादा. और मैं सुबह से पड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, निकलने नहीं दे रहे लोग. कहते हैं जाओगे तो अपनी जिम्मेदारी पे जाइए. मैं होटल से बाहर जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, देखता हूँ कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ है नहीं है. पापा अभी आपने देखा है कोई कोरोना वायरस वाले को? तो चलिए अब गाइस, तो पापा बाहर जाएंगे तब हम साथ में मुलाकात करते हैं. तो चलिए अभी हम जब पापा बाहर जाएंगे ना, तब पापा हमें रिसेप्शनिस्ट से मिलाएंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं. बाहर जा रहे हैं तो पापा हमें बाहर का माहौल दिखाएंगे कैसा है. तो ये पापा पहुंच गए बाहर. सुनसान नजर आ रही है यहाँ पर, मुझे भी कोई क्राउड नहीं है यहाँ पर. पहले बहुत क्राउड हुआ करता था यहाँ पर, कोई नजर नहीं आ रहा आसपास भी. इन लोगों को सबको वार्निंग दी है कि बाहर मत निकलिए, नॉन वेज कम इस्तेमाल करिए. चाइनीज लोगों की एंट्री बंद हो चुकी है यहाँ पर बैंकॉक में. अभी आपको बैक कैमरे से दिखाया जाएगा वहाँ पे क्या हो रहा है. पापा बैक कैमरे से दिखाइए, बैक कैमरे से. ये देखिए कोई भी नहीं है वहाँ ने सब दुकानें बंद कर दी. बैंकॉक जो 24 आवर स्टेट हुआ करता था, वो क्या हो गया है वहाँ. एक कोरोना वायरस चाइना है ये बीजिंग चाइना में. पापा भी जाएंगे. पापा चाइना मत जाना, चाइना आप अपना जाना कैंसिल कर दीजिए. देखिए सब लोग वहाँ मास्क पहन के घूम रहे हैं, सब लोग देखिए. बाहर कोई नहीं है क्योंकि वहाँ वायरस फैल रहा है. ये देखिए कुछ ही लोग हैं. अगर आप अभी भी जाके सर्च कर सकते हैं ना, तो हाँ बहुत ही क्राउडेड प्लेस है ये बैंकॉक. अब पापा रूम पे जाएंगे ना हम आपको, हाँ तब बात कराएंगे हम पापा से और डिटेल में थोड़ी बताएंगे. और तब तक मैं आपको कोरोना वायरस के कुछ वो बताता हूँ टॉपिक जो मैंने गूगल पे पढ़े थे. रेस्टोरेंट भी खाली पड़ा है, रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर नहीं है इनके पास खाने के लिए. पापा ये कहिए कि यहाँ कोई मत आए, नॉन वेज भी ना खाए. यहाँ नॉन वेज मना कर दिया है यहाँ की गवर्नमेंट ने, और यहाँ पर रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली पड़े हैं. ये खाली रेस्टोरेंट है, खाली एक ही कस्टमर, एक दो कस्टमर बैठे हुए हैं यहाँ पर. ये फुल रहता था रेस्टोरेंट, रिसेप्शन भी बिल्कुल खाली हो चुके. रिसेप्शनिस्ट भी बैठा हुआ है रिसेप्शन पे, एक ही बंदा बैठा हुआ खाली बस. ये देखिए पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा है. पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं. और एक वक्त होता था भी इतना क्राउड होता था. भाई आप खुद ही बता दो, आप भी तो गए हो यार भाई. हाँ. अगर आप में से कोई गाइस गया है ना बैंकॉक, तो आपको खुद ही पता होगा कितना रश होता था. और अब आप देख सकते हैं यहाँ क्या है. हाँ गाइस, अभी तो मैंने आपको पापा से बात करा दी थी, तो पापा से आपने देख ही लिया एक बैंकॉक जैसे एक क्राउडेड प्लेस पे क्या हो रहा है ये. मतलब कोरोना वायरस से, मतलब पहले तो ये माना जा रहा था कि एक बैट थी तो उसे किसी ने खा लिया था, तो उससे वायरस फैल गया. लेकिन बाद में वहाँ के कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने ये बताया कि ये एक स्नेक के काटने से हुआ है. मतलब एक स्नेक ने एक एनिमल को काट लिया था, तो उस एनिमल को उन लोगों ने, वहाँ के लोगों ने खा लिया. तो एक मार्केट थी उस जगह, नाम कुछ अजीब सा था, मैं बोलूँगा नहीं तो क्या कहूँ मैं. उस मार्केट से वो पूरा वायरस पूरे बीजिंग शहर में फैल गया. उस बीजिंग शहर को, वो छोटा सा शहर था बीजिंग में, उसको पूरा सील कर दिया है. ना वहाँ से कोई अंदर आ सकता है और ना उस जगह से कोई बाहर जा सकता है. तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, बहुत ही बड़ी. तो अभी मेरे पापा ने तो आपको बताया कि कैसा वहाँ हो रहा है, एक क्राउडेड प्लेस थी और अब कैसी प्लेस है वहाँ. तो मैं क्या कहूँ, बस मेरी तो आपसे एक ही अपील है, प्लीज़ नॉनवेज ना खाइए. नॉनवेज आप 15-20 डेज तक मत खाइए, क्योंकि WHO ने भी अभी इसे वर्ल्ड प्रॉब्लम माना नहीं है. और
क्या कहूँ, प्लीज़ मास्क पहन के घूमिए, किसी से हैंडशेक ना करिए, क्योंकि ये वायरस इंडिया में भी आ गया है, क्योंकि कई लोग चाइना से इंडिया आ गए थे तो उनकी फैमिली में भी ये वायरस माना जा रहा है, उनकी फैमिली और उन्हें जिन जिन से वो मिले थे लास्ट टाइम, सबको एक हॉस्पिटल के अंदर बंद करके, बंद नहीं कह सकते मतलब उनको केयर करके उनकी रखा जा रहा है, ताकि वो वायरस इंडिया में भी ना फैले। प्लीज़ अभी 15 to 20 days तक नॉनवेज इग्नोर करिए, क्योंकि क्या पता इंडिया में भी कोई नॉनवेज ऐसा हो जो मतलब उसमें आ गया हो, तो आप अभी नॉनवेज ना मत खाइए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, हमें लग रहा है एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वायरस के लक्षण ना मैं आपको ऐसे कुछ दिखाता हूँ, मेरे पापा ने भेजी थी वीडियो, तो वहाँ ना लोग पागल हो रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए, ये देखिए आप देख सकते हैं। देखिए एक और दिखाता हूँ, ये देखिए। जी हाँ, ये सब एक कोरोना वायरस के ही लक्षण है, इसमें मतलब लोग पागल हो रहे हैं। ये मेरे पापा वहाँ के स्नेक मार्केट पर गए थे तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, ये देखिए वहाँ की स्नेक मार्केट काश बंद ही हो जाए, पता नहीं लोग अभी भी क्यों खा रहे हैं, मतलब उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये आप देखिए देखिए कितने लोग वहाँ कोरोना वायरस से एक जगह पे रखे गए हैं। तो इस वायरस का असल में क्या बात है, इस वायरस का लक्षण सिर्फ 14 days तक रहता है, 14 days तक अगर हमने इस वायरस को रोक लिया, मतलब अपनी बॉडी के अंदर सहन कर लिया, तो हम बच जाएंगे, वरना हमारी डेथ इन ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। इस वायरस की अभी कोई भी दवाई नहीं दी गई है, इस वायरस में अभी HIV की जो दवाई यूज़ होती है वो दवाई भी यूज़ करी जा रही है, क्योंकि इस वायरस की अभी कोई पर्टिकुलर दवाई पता नहीं चली है। तो प्लीज़ अभी नॉनवेज ना मत खाइए। अगर मेरे पापा से बात होती है तो मैं आपको अभी एक और बार दिखा दूँगा, पापा भी रूम पाएंगे तो वो सब बताएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपसे अगर पापा से बात होती है तो बताऊँगा, फिलहाल अभी तो यही है कि नॉनवेज मत। तो गाइस अभी जो मेरी पापा से बात हुई तो पापा कह रहे हैं कि मैं आ ही रहा हूँ जल्द से जल्द, बस वहाँ की टिकट मिल जाए, तो पापा भी मना कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, मतलब पापा भी एक रूम में ही बैठे हुए हैं, पापा को रूम से बाहर नहीं निकलने दे रहे, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने दे रहे। और यहाँ मेरी मम्मी अभी भी मतलब कुछ अलग ही है। देखिए पापा आज ही तो कल ही तो गए, मैंने पापा से, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने पापा से 100 times तो कहा होगा पापा रहने दीजिए मत जाइए, पापा कह रहे नहीं वो बैंकॉक में नहीं आया, बैंकॉक सिर्फ चाइना में आया, और अब वहाँ जाके पता चला तो वहाँ सारी मार्केट बंद है, पापा जिस काम से वहाँ गए थे वो काम ही नहीं हो पा रहा, अब बस पापा जल्द से जल्द फ्लाइट से आएंगे, और मेरी साइकिल ला रहे थे वो साइकिल कैंसिल हो गई। अगर बाई चांस मेरी पापा साइकिल लाते हैं तो मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो दिखा दूँगा अपने इसी व्लॉग चैनल में। और गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी मेरा एक न्यू चैनल है, आगे जाके मैं बहुत सारे गिव अवे भी करने वाला हूँ, मैं बाहर से बहुत सारा सामान लाऊँगा तो उसका मैं गिव अवे भी करूँगा आपके लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर यू। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट, कमेंट में बस अगर आपको मेरी एक स्क्रिप्ट, मैंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी थी, बहुत पहले लिखी थी, लेकिन वो वीडियो मैं अब बनाऊँगा अपने कुछ दोस्तों के साथ, वो वीडियो बनाऊँगा, अगर आपको वो वीडियो देखनी है ना तो मुझे कम से कम 20 comments चाहिए नीचे, येस वी वॉन्ट टू सी योर वीडियो, तो मैं तभी डालूंगा, वरना मैं पोस्ट नहीं करूंगा जब तक इसमें 20 comments नहीं आ जाएगी। तो चलिए फिलहाल नॉनवेज मत खाना, टिल देन बाय, नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट ब्लॉग।